एक बार की बात है, एक किसान कहीं जा रहा था, तभी उसको एक चट्टान पर एक घोंसला दिखाई दी। घोंसले में उसने एक अंडे को देखा। जब उसने आसपास देखा, उसे वहां कोई और पक्षी और कोई घोंसला नहीं दिखाई दिया। उस किसान को उस अंडे की फिक्र होने लगी, इसलिए वो उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले आया और उस अंडे को मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उस अंडे में से एक बास का जन्म हुआ और बास का बच्चा अब उन मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। अब वो भी मुर्गी के बच्चों के साथ दाना चुगने लगा। उस बास ने अपनी पूरी जिंदगी उस मुर्गी खाने में दाना चुगते ही बिता दी। वो अपनी आराम की जिंदगी से बड़ा खुश था। उसको हमेशा यह लगता कि मेरी जिंदगी से अच्छी जिंदगी और कोई हो ही नहीं सकती। उस बास ने जिंदगी भर कभी भी ऊपर उस खुले आसमान की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि आज तक उसके साथ रहने वाली मुर्गियों ने भी उस आसमान की तरफ कभी देखा नहीं था। समय बीतता गया और समय के साथ वो बास बूढ़ा होता गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा। उसने आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखा। उसने एक बास को बादलों से भी ऊपर उड़ते हुए देखा। वो बास बहुत शान के साथ हवा में उड़ रहा था। उस दृश्य को देखकर उस बूढ़े बास के मन में यह विचार आया कि काश मैं भी एक बास पैदा हुआ हूं, काश मैं भी एक बास पैदा हुआ हूं। दोस्तों, हमें एक जिंदगी मिली है, सिर्फ एक। कोई हमें यह ना बताए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि यह सिर्फ तुम पर है। तुम एक बास पैदा हुए हो, पर अपना जीवन एक मुर्गी की तरह जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास सब ऐसे ही अपना जीवन जी रहे हैं। तुम ये जानते ही नहीं कि तुम क्या हो। तुम्हें यह समझना होगा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी ताकत, जो भी शक्ति तुम्हें चाहिए, वो सब तुम्हारे अंदर ही है। हम जब अपने आप से बाहर आते हैं, हम तभी सफल होते हैं। सफलता के लिए हमें अपने आप से बाहर आना होगा। ये हमारे खुद के निर्णय होते हैं कि हम उस आसमान की तरफ देखें या ना देखें। तुम्हें उस आसमान की तरफ देखना होगा। और हम ये कभी जान ही नहीं पाते कि हम क्या हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जिंदगी निकलती जाती है और हम बूढ़े होते जाते हैं, और फिर एक दिन हमें यह रियलाइज होता है कि हम भी ये कर सकते थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। दोस्तों, आज ही तुम अपने सपनों के पीछे जाओ और विश्वास रखो खुद पर, विश्वास रखो अपने सपनों पर, अपने आप पर। तुम अपना वो हर सपना पूरा कर सकते हो जो तुमने अपने लिए देखा है। सो आखिर मैं यही कहूंगा, बिलीव इन योर ड्रीम्स माय फ्रेंड्स। अपने सपनों में विश्वास रखो, अपने सपनों पर।